हेलो सर, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यहाँ पर यूपी आरबीएल की तरफ से दोस्तों वैकेंसी आउट हो चुकी है। जितने भी लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे भाई आईटीआई करके, आपके लिए बिल्कुल गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो भाई यहाँ पे देखो, वैकेंसी जो आई है टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड की आई है, और काफ़ी दिनों से आप यहाँ पर शोर मचाए हुए थे वैकेंसी दोस्तों। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है, लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के माध्यम द्वारा आमंत्रित है। और दोस्तों यहाँ पर जो टोटल यांत्रिक मैकेनिकल की पोस्ट दोस्तों यहाँ पर करीब 30 है, यूआर की है, एक ओबीसी की है, एससी की 14 है, 7 है एसटी की, 5 है ईडब्ल्यूएस की, 2 है ईएसएम की और 1 है डीएफएफ की दोस्तों। यहाँ पर विद्युत की है, इलेक्ट्रीशियन की है 56, और 16 दोस्तों इसमें ओबीसी की है, 24 एससी की है, 3 इसमें एसटी की है, 11 ईडब्ल्यूएस की है, 6 ईएसएम की है और 2 डीएफएफ की है। तो दोस्तों ये वैकेंसी बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। और जो भी रूल दोस्तों यहाँ पर वेतन मान को लेकर बताऊँ आपको, 28,000 रुपया भत्ते उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम में लागू नियम अनुसार होंगे। 28,000 रुपया आपको के अलावा 35 मान लो आसपास आप लोग। और इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड दोस्तों पद कोड 123 यांत्रिक पद के लिए यहाँ पर समकक्ष फीटर ट्रेड में गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या फीटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र DOEIC वर्तमान में नीलटी द्वारा प्रदत्त 80 घंटे का CCC का प्रमाण पत्र अभिलेखीय प्रशिक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड विद्युत पद हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल विद्याज्ञान एवं गणित विषय के साथ समकक्ष उत्तीर्ण एवं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भर्ती, मतलब इलेक्ट्रीशियन और CCC सर्टिफिकेट, फीटर और CCC सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट है इन दोनों वैकेंसीज के लिए, ठीक है। अब यही है भाई, आपको बस ध्यान देना है। बाकी जो आपके पास जो एज की बात है, 18 साल से लेकर के 40 साल तक की बात है भाई, जितने भी अधिक एज वाले हैं वहाँ भर सकते हैं इसमें। रिजर्वेशन की जो है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, रिजर्वेशन जो चलता आया है। टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड के लिए जो है यहाँ पर एससी के लिए 826 रुपये है और 1180 रुपये जो है अन्य श्रेणी के लिए है। बाकी यहाँ पर अर्हता की बात करें तो अन्य प्रमाण पत्र यहाँ पर CBT परीक्षा आपको देनी होगी, आपको एडमिट कार्ड फ़ोटो और वैलिड आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ ये सब होनी चाहिए, ठीक है। विद्युत वैकेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों UPPCL की बारी है, बहुत ही कम समय बाद दोस्तों आपको UPPCL की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल द थिंग्स गिवन इन इंग्लिश, आप इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट में दोस्तों 150 मार्क्स होंगे, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ ITI एंड 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंपेयरिंग जनरल हिंदी जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड एंड 0.2 मार्क्स मार विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और आपको ये करने होंगे, ये सिलेबस आपने देखा। बाकी दोस्तों यहाँ पर टाई ब्रेकिंग नियम, CBT परीक्षा स्थान आपका अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली इत्यादि जगह पर जो है परीक्षा होगी। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ऑनलाइन 12 शुरू होगा 12 जुलाई से और क्लोजिंग डेट 5 अगस्त तक है, ठीक है। इस तरह से मतलब सब कुछ दिया है स्टेप्स, आप लोग यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करिए और आप लोग इसकी तैयारी करिए। बेस्ट आप लोग फॉर योर फ्यूचर गाइस, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 12/7/2022 से लेकर के 5/8/2022 तक, और ये नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया है, बाकी और कुछ देखने दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का रूल है दोस्तों ये फार्मूला है लास्ट में दिया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको वीडियो के माध्यम जरूर बताएंगे। मेरा नाम पंकज, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।